सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देखोगे ना कि न्यू वेन्यू इनलाइन लगी हुई है। अब बेसिकली इनलाइन और वेन्यू में क्या डिफरेंस, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। तो इनलाइन का जो सीरीज आ रहा है ना, आप जैसे बहुत सारी गाड़ियों में देखते होंगे कि बहुत सारा एडिशन आया है, तो आपको क्रेटा में, वेन्यू में, हुंडई की जितनी भी गाड़ियां अब सभी इनलाइन सीरीज में आती है। तो इनलाइन सीरीज होता क्या है, इसका जो इंजन है उसको मोर पावरफुल बनाया जाता है। पहले से जो पावरफुल था उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बनाया जाता है, और थोड़ा सा इसका जो इंटीरियर सेक्शन है उसको और एडवांस लुक दिया जाता है। साथ ही साथ इसका जो इंजन सेक्शन है वो आपको 998 यानी कह सकता हूं मैं 1000 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपको पेट्रोल में इंजन मिलता है। 88.3 PS का मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कराता है और 172 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ये जो गाड़ी है हमारे सामने देख रहे हो, ऑटोमेटिक में गाड़ी है। सभी कुछ आज के इस वीडियो में फीचर्स बताता हूँ, ऑन रोड प्राइस क्या है, एक्चुअल रूम प्राइस क्या है, और फीचर्स इनलाइन में क्या कुछ डिफरेंस है, सेफ्टी कितना है, हर एक चीज आपको आज के इस वीडियो में बताता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले तो ओवरऑल आप यहाँ से अगर लुक देखोगे ना, तो फ्रंट का ये जो आपको यहाँ इसके ग्रिल सेक्शन देखने को मिलता है ये काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे इनलाइन का बेजिंग देखने को मिलता है, क्रोम के ट्रीटमेंट में रहता है। हैलोजन में आपको यहाँ पे ह्यूंडई का बेजिंग भी देखने को मिलता है, और रेडिएटर भी देखोगे तो आप इसके जस्ट अंदर में मिलेगा, ठीक है। वेन्यू इनलाइन का आगे आपको स्टिकनिंग देखने को मिलता है, और इनलाइन है तो रेड कलर का ये जो आप स्ट्रिपिंग देख रहे हो ना, ये आपको हर जगह देखने को मिलता है। साथ ही साथ में हेडलाइट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे LED में लाइट मिलता है, प्रोजेक्टर की लाइट मिलता है, काफी अच्छा आपको दिख रहा होगा बीरोल्स में आप देखोगे। और यहाँ पे इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है, और ये जो ब्लिंकर्स देख रहे हो ना, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें अटैच आपको फॉग लैंप भी आप जो है वो सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे में मैं बात करूँ तो SUV है तो आपको क्लाइडिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके का क्लाइडिंग भी देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी डायमेंशन की, तो ओवरऑल इसका जो विड्थ है ना वो आपको 1770 mm के आसपास इसकी ओवरऑल चौड़ाई मिलती है। जी हाँ, 1770 mm की आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और ओवरऑल मैं फ्रंट से बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो वाइपर्स मिलते हैं, वॉशर मिलता है, और डिजाइन कुछ एरोडायनामिक्स टाइप का आपको यहाँ पे ये डिजाइन भी देखने को मिलेगा। साइड फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको रेड कलर का आपको स्ट्रिपिंग मिलता है, इनलाइन का बेजिंग देखने को मिलता है। और यहीं पे मैं इसका ओवरऑल मैं लेंथ की बात कर लूँ ना, तो यहाँ पे आपको 3995 mm के आसपास इसका ओवरऑल लेंथ मिलता है। यानी ये जो लंबाई आप देख रहे हो ना, ये 3995 mm के आसपास इसका लंबाई मिलता है। और व्हील बेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2500 mm के आसपास इसका व्हील बेस मिलता है। यानी फ्रंट टायर से रियर टायर के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो आपको 2500 mm मिलता है। ऑल फोर डिस्क मिलता है। यहाँ पे मैं टायर सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 215/60 R16 के साथ आपको MRF का कंपनी टायर प्रोवाइड कराती है। रेड कलर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे, इनलाइन के बेजिंग देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके के आपको MRF के टायर मिलेंगे। और सस्पेंशन की बात करें तो मैक्स फर्सन का विथ स्टड के साथ आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्रंट का सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। और SUV है तो क्लाइडिंग होगी ही होगी, तो यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग है वो आपके पूरे लास्ट सेक्शन तक गया है। यहाँ पे आपको फुटेज नहीं मिलता है, बट इस साइड से अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी रेड कलर का स्ट्रिपिंग मिलता है। डोर हैंडल्स की मैं बात करूँ तो आपको बॉडी कलर में आपको इसका डोर हैंडल्स भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पिलर सेक्शन की बात करें तो ए पिलर जो है वो आपको थोड़ा सा ग्लॉसी में मिलता है, बी पिलर जो है वो आपको मैट ब्लैक में मिलता है, और सी पिलर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलता है। PDI ओके हो चुका है, ये स्टिकिंग आपको इसमें दिखेगा, बॉडी कलर में ही आपको इसका डोर हैंडल्स दिखता है। ORVM सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर पे आपको ORVM सेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ऊपर सेक्शन से मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखोगे स्पॉयलर्स देखने को मिलता है। पीछे साइड से आप यहाँ पे देखोगे तो स्पॉयलर्स मिलेगा, रूफ रेल्स मिलता है ये आप देखोगे, और इसमें आपको N8 मॉडल है तो N8 मॉडल में आपको यहाँ पे सनरूफ का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ इसका जो सनरूफ है इसमें भी आपको रेड कलर का स्टिकरिंग देखने को मिलता है। स्पॉयलर आपको ब्लैक कलर में मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ अटैच्ड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, वॉशर आपको यहाँ पे मिलेगा, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सारी चीज आपको पीछे साइड से मिलते हैं। और यहाँ पे भी आपको ना एक कनेक्टेड टेल लाइट मिलता है, जो ट्रेंड है ना ट्रेंड के हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा का पूरा लाइटिंग सेक्शन है जो कि पूरे इस पार्ट को कनेक्टेड करके रखता है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ह्यूंडई का बेजिंग मिलता है, वेन्यू का बेजिंग मिलता है, और इनलाइन का भी आपको यहाँ पे इस टाइप का बेजिंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पीछे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलता है, और रिवर्स में आपको कैमरा भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नीचे साइड से देखोगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप जो है वो इसका ट्विन में एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अभी इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस जो है ना
वो ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की ना, तो आप यहाँ पे देखोगे 350 लीटर्स का आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस भी देखने को मिलेगा, और नीचे से देखोगे तो आपको एक स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको स्टील व्हील में मिलता है, अलॉय व्हील में नहीं मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो एक आपको लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको बल्ब में रहता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है। साथ ही साथ ये जो पार्सल ट्रे आप देखोगे, ये आपको एसेसरीज का पार्ट मिलता है, और ये जो सीट है ना वो आपको 60-40 में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तो ये जो सीट आप देखोगे, ये जो सीट है ये पूरा का पूरा आप 60-40 में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देख रहे हो 60-40 में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपका जो बूट स्पेस बचता है वो बहुत ज़्यादा इसका बूट स्पेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके पीछे की। पीछे में कनेक्टेड टेल लाइट आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसका कनेक्टेड टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और अब चलिए गाड़ी के इंटीरियर में बैठते हैं, और इंटीरियर में बैठने के बाद आपको सारे फीचर्स वन बाय वन करके बताते हैं। इंटीरियर में बैठने से पहले आपको मैं सबसे पहले इसका डोर ट्रिम दिखा दूं, तो ये देखो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देखने को मिलता है, जो कि आप देखोगे पूरा का पूरा सॉफ्ट टच में आएगा। आपको इनलाइन है तो रेड कलर का स्ट्रिपिंग देखने को मिलता है, और ये आपको ऑटोमेटिक में मिलता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने ऑन कर दिया, विंडोज इसका कम्प्लीट डाउन में है। हाँ भाई, ये ऑटोमेटिक अप एंड डाउन दोनों में है। बाकी आपको ये जो तीन है वो आपको नॉर्मल में मिलेंगे, चाइल्ड लॉक मिलते हैं, और ओवरव्यूम को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से ओवरव्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। ये आप देखोगे यहाँ पे, देख रहे हो मूवमेंट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ओवरव्यूम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ट्विटर्स मिलेंगे, स्पीकर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, काफ़ी अच्छे स्पीकर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन अभी आपको बैठने से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये देखो ये मैनुअली मिलता है, बट ये जो चीज़ है ना ये आपका ऑटोमेटिक मिलता है। ये एक बार आप सिंपल क्लिक करोगे तो ये आगे हो जाएगा, और ये करोगे तो पीछे हो जाएगा। इसको करोगे तो ये देखो आगे जा रहा है, जा रहा है आगे भाई, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मिलता है। ये आपको वेन्यू में भी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पीछे चला गया, तो ये ऑटोमेटिक है। अभी चलो मैं इसके इंटीरियर में बैठता हूँ और आपको सारा चीज़ वन बाय वन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को भाई क्या देखना है, अपने को कैमरा देखना है। यहाँ पे व्यू करेंगे, ठीक है। व्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि अपना एक भाई पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो रियर में आपको इसका कैमरा भी मिलता है। फॉग लाइट आप लाइट के हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, इसके साथ साथ ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये आप इंजन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। इसके साथ एक लाइटिंग सेक्शन आपको मिलेगा, और यहीं पे मैं बात करूँ तो ये देखो इसका ट्रांसमिशन आपको कुछ इस तरीके से इसका MID कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें अभी आपका मेरा एक गेट लॉक है, अभी इसको मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये सारे फीचर्स आपको यहाँ से वन बाई वन करके देखने को मिल जाएंगे। मोड्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे तरीके का आपको मोड्स मिलता है, और ये जो गाड़ी है पूरा को पूरा ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का एयरलाइन का बैजिंग है, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड एंड ड्राइव मोड आपको यहाँ पे मिलता है। सिर्फ लॉक रिलीज करने का USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, 12 वोल्ट का यहाँ पे भी सॉकेट मिलता है। सी टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल कूल और हीट करने का मिलता है। फ्रंट रियर AC वेंट्स का मिल जाता है, बाकी AC के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। इस साइड देखोगे तो हजार लाइट के ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्टअप, मीडिया, रेडियो, कंट्रोल, मैप, नेविगेशन, सारी चीज़ मिलते हैं। पुश पावर का ऑप्शन मिलता है, AC वेंट्स आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। और एयर बैग्स की मैं बात करूँ तो 6 एयर बैग के साथ आपको ये गाड़ी मिलता है। एयरलाइन है तो भैया मैंने आपको बताया था ये लाल कलर का लाइट, ये देख रहो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये लाल कलर का लाइट आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ग्लोबॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोबॉक्स सेक्शन भी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको इसका ग्लोबॉक्स सेक्शन मिलता है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसका IRVM सेक्शन के पास, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक में आपको IRVM सेक्शन भी देखने को मिलता है। और यहाँ से मैं इसके वाइजर सेक्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि टिकट होल्डर आपको मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो आपको एक मिरर सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ से इसके लाइट्स को भी जला सकते हो, और यह है इसका सनरूफ का ऑप्शन। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखो ये हो गया अपना, और ये सनरूफ अपना मूव करना है ना, तो अभी इसको इस तरीके से हम यहाँ से इसका सनरूफ को पूरा का पूरा हटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो इसके पूरे सनरूफ को मैं हटा सकता हूँ। तो कुछ यहाँ पे इसका इंटीरियर सेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और रेड कलर के आपको यहाँ पे लाइटिंग के साथ देखने को मिलेगा। तो ये था इस कार का इंटीरियर का फीचर्स मैंने आपको दिखाया। अब एक बार चेक करते हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं है, ओनली ये स्टेरिंग आपको टिल्ट में मिलता है। बाकी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल्स के वगैरह फंक्शन भी यहाँ पे मिलेंगे, मोड मिल जाएंगे, वॉइस कमांड असिस्ट मिल जाता है। और ये जो चीज़ देखोगे ना, यहाँ से आपको आगे पीछे करने का ये सारा फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन में आपको किलोमीटर कितना है चला है, फ्यूल टैंक कितना है, SWE आपको डायरेक्शन दिखाएगा, इसके साथ आपको टायर प्रेशर दिखाएगा, ड्राइव टू डिस्प्ले में दिखाता है,
इसके बाद आपको होल्ड ओके सेटिंग्स दिखाता है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन दिखाता है, इसके बाद आप सारा चीज़ मतलब यहाँ से आप वन बाय वन करके सारे फीचर्स को देख सकते हो। अभी हमारा गाड़ी पार्किंग मोड में है, बाकी स्पीडोमीटर और यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन है, टेम्परेचर है, किलोमीटर है, आरपीएम लिमिट है, पूरा का पूरा डिजिटल मिलता है। तो आइए चलिए इसके सेकंड रो सीट पे चलते हैं। सेकंड रो सीट पे बैठने के बाद मैं आपको इसका लेगरूम बताता हूँ, हेडरूम बताता हूँ और स्पेस बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डोर ट्रिम की, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच यूज़ करा गया है, रेड कलर के स्ट्रिपिंग के साथ आपको मिलता है। बाकी आपको पूरा का पूरा फाइबर बॉडी में मिलता है। यहाँ पे आपको विंडोज़ को कंट्रोल करने को मिलता है और लॉक अनलॉक का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। स्पीकर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा और नीचे में देखोगे तो पूरा का पूरा बॉटल होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस की मैं बात करूँ तो स्पेस देखोगे, लेगरूम सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलायबल है, लेगरूम में कोई इशू नहीं है, हेडरूम में भी आपको कहीं कोई इशू नहीं होने वाला है। इंटीरियर सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा आपको ब्लैक कलर एडिशन के साथ देखने को मिलेगा, आपको हर एक चीज़ ब्लैक में मिलेगा। और यहीं पे आप देखोगे तो रेड कलर के आपको बॉर्डरिंग के साथ एसी वेंट्स देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। बाकी आपने हेडलाइट सेक्शन भी देख लिया होगा, हेडलाइट सेक्शन भी देख लिया होगा, गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं आपको जैसा बताऊँ तो यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिलता है, ऊपर में आपको यहाँ पे एक लाइटिंग सेक्शन भी देखने को मिलता है और भी तमाम सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे सेफ्टी में बात करें तो 6 एयरबैग्स के साथ मिलता है, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डाउन असिस्ट, सभी फीचर्स मिलते हैं। बाकी प्राइस की मैं बात करूं तो एक शोरूम प्राइस जो है वो आपको यहां पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मैं आपको सबसे पहले पूरा का पूरा प्राइस एक बार बता देता हूं। तो मे भी शायद मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं आपको यहां पे क्लियर कर सकता हूं इसका पूरा का पूरा प्राइस। जी हां, तो आपको मैं सबसे पहले अगर इसका प्राइस बताऊँ ना तो इसमें अभी जो है एक शोरूम प्राइस 13,74,800 रुपीज़ इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है, अगर आप वेन्यू N8 मॉडल लेते हो तो। ठीक है, वह भी इनलाइन में। इसके साथ आपका इंश्योरेंस जो है वो 46,580 रुपीज़ का पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो आपको 1,26,504 रुपीज़ का पड़ता है, जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस कराओगे तो 10,860 रुपीज़ लगेगा, बेसिक एसेसरीज अगर लगाना चाहते हो तो 13,500 के आसपास इसका बेसिक एसेसरीज मिलता है, एक्स्ट्रा वारंटी चाहिए आपको गाड़ी पे तो 10,674 रुपीज़ का करोगे तो एक्स्ट्रा वारंटी भी मिलेगा। साथ ही साथ अब इसका जो टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस बन जाता है हमारे यहाँ रांची रिपब्लिक ह्यूंडई में, वो बन जाता है आपको 15,61,630 रुपीज़ का। इसके साथ अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट चला है, कैश डिस्काउंट अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो सभी कस्टमर के लिए आपको ये जो वेन्यू का DCT मॉडल है उस पर 20,000 का कैश डिस्काउंट मिलता है, और वहीं अगर आप गाड़ी अपना एक्सचेंज कर गाड़ी हमारे यहाँ से ले जाते हो तो आपको 10,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो 30,000 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ये गाड़ी में मिलता है। बाकी फैसिलिटी वाइज आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा गाड़ी है, काफ़ी प्योर गाड़ी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसके इंजन हुड के पास देखोगे तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे इंसुलेटर, वो इंसुलेटर आपको नहीं मिलता देखने के लिए, आपको यहाँ पे नॉर्मल सा आपको इसका कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। भाई ये थोड़ा सा इसका वेट चेक कर लेते हैं कि भाई कितना ज़्यादा इसका वेट है। तो सबसे पहले ये देखो भाई, वेट वाइज तो ठीक है, बट हाँ क्रेटा से हल्का है, थोड़ा सा क्रेटा से थोड़ा सा लाइट वेट है, बट एनीवे बहुत अच्छा है। तो ये था वीडियो, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। प्राइस के लिए स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है, आप सारे चीज़ कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो, स्क्रीन पर आपको प्राइस भी शो हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।